सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जानते हैं कि एक उत्तराखंडी किस तरह से डर के साए में जी रहा है। उत्तराखंड से आए दिन कुलदार और मानव संघर्ष की दिल दहला देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग कुलदार का निवाला बन रहे हैं। अब तो हालात ये हो चुके हैं कि पौड़ी जनपद के 25 गांवों में शाम 7 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इलाके में धारा 144 लागू है। स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। बच्चे घरों में कैद हैं। लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित है। कुलदार को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे लगा दिए गए हैं और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। टास्क फोर्स और वन विभाग की टीम पूरे इलाके में फैला दी गई है। ये एक ऐसी समस्या है जिससे उत्तराखंड का जनजीवन सीधे तौर से प्रभावित हो रहा है। इस आतंक से आज न खेत खलिहान सुरक्षित है और न ही घर आंगन। लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है। पलायन के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण वन्य जीवों का आतंक भी है। सरकार असहाय बनी है और मुआवजे तक सीमित है। उत्तराखंड वन विभाग से लेकर वन्य जीवों पर शोध करने वाले विशेषज्ञों के पास इस सवाल का ठीक ठाक जवाब नहीं है। संघर्ष बढ़ता जा रहा है, समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। जबकि घटनाओं को रोकने के लिए कैमरा ट्रैप लगाए गए, वन्य जीवों के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए रेडियो कॉलर लगाए गए, सोलर फेंसिंग की गई, खाई बनाने जैसे कदम उठाए गए, लेकिन सभी नाकाफी साबित हुए और गुलदार के हमले का ग्राफ बढ़ता रहा। कुछ समय पूर्व वन अधिकारी उत्तराखंड वन विभाग नैनीताल के साथ की गई वार्ता वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें बताया गया है कि तेंदुए अब इंसानों को अपना निवाला क्यों बना रहे हैं और जंगल में गीदड़ों की यानी कि सियारों की उपस्थिति किस तरह से इस आतंक को कम कर सकती है। फिर मिलती हूँ एक नई खोज के साथ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एंड इन्फ्लुएंसर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।